सुबह के अभी करीब 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी आया हूँ अपने खेतों की तरफ। बहुत ठंडा मौसम हो रहा है क्योंकि दिसंबर स्टार्ट हो गया है, ठंड ने भी दस्तक दे दी है। सुबह हर जगह होती है लेकिन गांव की सुबह एकदम अनोखी है। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं और उसमें रेंडमली जो भी आएगा गाँव में, जो भी लाइफ है गाँव की, वो सब आपको दिखाएंगे और बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। कुदरत क्या क्या बनाती है। मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है और उस पे ओस गिरी है। देखिए क्या बन के तैयार हो गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये झाड़ है, झाड़ में मकड़ी ने जाला जाला बना लिया था और ये देखिए उसमें ओस गिरी है, कितना अद्भुत है यार। ये बहुत शान पढ़ाई वढ़ाई चल रही है भाई, स्कूल जाओ ना जाओ, खेतों आ रहे। टिक तो अभी ये देखिए, ये जो अभी फसल दिखाई दे रही है खेत में, ये आलू हो रहे हैं। और अभी मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, रास्ता नहीं, एक डंडी है, तो ये इसे नाली भी बोलते हैं, भरा भी बोलते हैं, पानी चलता है जिसमें और खेतों में जाता है। और मेरे ये देख रहे हैं, ये अमरूद का बाग है, सीजन चल रहा है अभी अमरूद का, और आप सभी जानते हैं कितना फ़ायदेमंद है अमरूद। तो अभी मैं अपने ट्यूबवेल पर जा रहा हूँ, तो वहाँ से कुछ नज़ारे दिखाऊंगा आपको। रास्ता थोड़ा दुर्गम है, सब चलता है, ऐसा कहाँ मिलता है। ये तो गांव है उधर, अभी थोड़ी धुंध है, फॉग आया हुआ है। और ये सब देखिए अभी फसल में, अभी सर्दियों में बात करें तो इस समय जो हमारी तरफ गांव में जो फसल होती है, आलू होता है, जो कि सामने अभी इस खेत में हो रहा है, आप देख रहे हैं ये आलू हो रहा है। और गेहूं भी होता है, तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इस बाग में, ये भी अमरूद का बाग है और इसमें भी ये गेहूं हो रहा है। और ये ट्यूबवेल है और यहीं से पानी जिधर भी ले जाना है, जिस खेत में भी ले जाना है, ये जंक्शन हो गया और जंक्शन से यहीं से पानी हर खेत में पहुंचता है। तो ये गेहूं की फसल खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं इधर गेहूं है और कुछ आलू करे हुए हैं। ये हमने इधर बाग में गेहूं, देखिए इधर गेहूं हो रहा है। जीवन एक संघर्ष है जिसे किसान से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। जेठ की गर्मी हो, पूस की सर्दी हो या सावन की मूसलाधार बरसात, लगा रहता वो इस मिट्टी में चाहे दिन हो या रात। शौक इसके भी हैं जो पूरे कम अधूरे ज्यादा हैं, अपने लिए इसने जीना सीखा नहीं, तभी तो ये दिलों का राजा है। उम्मीद तो बहुत है इसको इस मिट्टी से, शायद इस बार फसल बिकेगी ऊंची बोली से। अगर आलू का भाव इस बार 1000 के पार होगा, तो शायद कमरा मेरा भी पक्का होगा, जिसमें तखत कुर्सी और पत्थर संगे मरमर होगा। संघर्ष मेरा कभी अधूरा ना होगा, संघर्ष कभी मेरा। जिंदगी गांव में भी है, जिंदगी शहर में भी है, लेकिन मेरे से अगर पूछा जाए तो मेरे लिए तो ज़िंदगी गांव में है, कुछ जो यहाँ है वो शहर में कहाँ। का पेड़ है, पूरा बाग है बल्कि, और अभी सीजन चल रहा है आंवले का, तो अभी आप देख रहे हैं पूरे पेड़ एकदम भरे पड़े हुए हैं, आंवले से लदे हुए हैं। चलो अंदर चल के दिखाता हूँ मैं।
हमारे यहाँ की एक और प्रमुख फसल, ये खेत आप सामने जो देख रहे हैं, इसमें ये पीले कलर के जो भी फूल दिखाई दे रहे हैं, इसको सरसों बोलते हैं, मस्टर्ड। और बहुत ही सुंदर ये पूरा पूरा खेत दिखाई दे रहा है। और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इस फसल को, आप बताइएगा। बहुत ही सुंदर। तो गांव में आ चुके हैं और ये मशीन जो आप देख रहे हो, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे चारा काटा जाता है पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। तो अभी फिलहाल चारा नहीं है, सीज़न नहीं है, सीज़न आएगा तो चारा इसमें इधर से चारा लगाएंगे और इधर से ये हैंडल जो रहता है इसे घुमाते हुए चारा काटते हैं। एक बहुत ही अच्छा सुबह का वर्कआउट है यहाँ के लोगों के लिए। ज़िंदगी को एक संघर्ष और आखिरी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जैसे एक हिरन सुबह होते ही यह सोचता है कि अगर मैं आज तेज नहीं भागा तो शेर का शिकार हो जाऊंगा, और एक शेर यह सोचता है अगर मैं आज हिरन से तेज नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। ज़िंदगी वाकई में एक संघर्ष है, इसको या तो हंस के जी लो या रो के जी लो, ये डिपेंड हम और आप पर करता है। रोहित है ये, आपने मेरे एक दो वीडियो में देखा होगा, हमारी गौमुख वाली जो हम यात्रा साथ करी थी, ये वही रोहित है। तो रोहित क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ चलो बढ़िया। ये सामने आप गोलाकार चिकनी मिट्टी की बनी हुई जो चीज़ देख रहे हैं, आप जानते हैं ये क्या है? हम लोगों के यहाँ ये दूध गर्म करने के लिए, मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका नाम भी बता दूं, हमारे यहाँ इसे बरोसी बोलते हैं। जी हाँ, आप लोगों के गांव में इसको क्या बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही अद्भुत और विलुप्त हो चुकी है।